आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर। प्लेलिस्ट पे आपको M2R5 से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर यहाँ चेक कर सकते हैं, आपको M2R5 से रिलेटेड सारी क्लासेस मिल सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लिए हमने, बना दिया है आपको प्लेलिस्ट है जो M2R5 की है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा। हमने कल डिस्कशन किया था ओ लेवल के सेकेंड मॉड्यूल का, क्या डिस्कस किया था, सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि हमने नोट्स प्रॉपरली रेडी किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसे परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सेकेंड मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। ठीक है, ये क्या होता है, आपका चैप्टर का फर्स्ट नेम है। इसके बाद बात करेंगे इसके अंदर हम टॉपिक्स में, तो सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो क्या होता है भाई इंटरनेट, तो इंटरनेट आपका क्या होता है कि या इंटरनेट इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कई सारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। एंड इंटरनेट पर कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, गेम्स, कंसोल एंड अदर डिवाइसेस वायर या वायरलेस नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट किसी भी एक कंपनी या गवर्नमेंट के अधीन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है इसमें बहुत सारे सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग सेंटर्स या प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं या कह सकते हैं उनके यूज के लिए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे कि इंटरनेट के बारे में। जैसे आप लोग कहते हैं पब्लिक इंटरनेट होता है या प्राइवेट होता है, तो जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट ही होता है। ठीक है, पब्लिक इंटरनेट क्या होता है, जब तक आप उसका चार्ज फिल नहीं करते हैं तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो ये है आपका इंटरनेट। अब जान लेते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री, जो कि आपको पढ़नी है यहाँ पर। तो इंटरनेट की हिस्ट्री को इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। ओके, इंटरनेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट को इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। जहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट का क्या यूज हुआ था, किस तरह से यूज हुआ था, चलिए जान लेंगे। तो इंटरनेट क्या है हमारा, 1969 में, ओके 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी DOD की बात की जा रही है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी DOD द्वारा रिसर्च एजेंसी आरपा। आरपा क्या है, आपका फर्स्ट नेटवर्क है। तो आरपा का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कभी कभी प्रोजेक्ट्स में एस नहीं लगा होता है। ठीक है, आप उस पर टिक कर देते, तो उस पर टिक ना करें, यहाँ पर आपका एस लगा होना चाहिए। तो आपका राइट फुल फॉर्म क्या होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। सो आरपा के लिए दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया गया, जिस नेटवर्क को रिसर्च एजेंसी के नाम के आधार पर आरपा नेट कहा गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंटरनेट कौन सा था ऐसा जो आपका लॉन्च किया गया था 1969 में, तो वो आपका है आरपानेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पर देखते हैं इस नेटवर्क को विंटन जी सर्फ के कम्युनिटी द्वारा बनाया गया। बिल्कुल, इसके बाद क्या है, कम्युनिटी द्वारा बनाया गया। यह नेटवर्क एक बिल्डिंग तक ही सीमित था। ओके, यह नेटवर्क एक बिल्डिंग तक ही सीमित था तथा इसका सेटअप जो है बहुत कास्टली था। ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये काफी कास्टली हुआ करता था आपका। इसके बाद आपका है आरपानेट की रेंज होने की वजह से, यानी कम रेंज होती थी इसके, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कम रेंज था। ठीक है, कम रेंज होने की वजह से, यहाँ पर आप कम लिख लीजिएगा, कम रेंज होने की वजह से उसे मॉडिफाई करके 1975 में एक्स्ट्रानेट नामक नेटवर्क बनाया गया, जो कि कई सारे बिल्डिंग्स के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकता था। ओके, तो इतना तो आपका देख सकते थे, सबसे पहले क्या आया यहाँ पर, आरपानेट आया। आरपानेट आने के बाद क्या हुआ, आरपानेट में जब वर्क किया गया तो वहां पर क्या हुआ कि इसके स्पेस में थोड़ी सी कमी आई, क्योंकि ये बहुत कास्टली हुआ करता था, प्लस क्या था कि बिल्डिंग्स तक ही सीमित था, तो इसके लिए इसको चेंज किया गया। तो आरपानेट को चेंज करने के बाद क्या लाया गया, आरपानेट की इस रेंज की होने की वजह से, यानी कम रेंज थी इसलिए होने की वजह से उसे मॉडिफाई करके ध्यान दीजिएगा 1975 को एक्स्ट्रानेट नामक नेटवर्क बनाया गया। मीन्स क्या, पहले आपका आया आरपानेट जो कि आपकी बिल्डिंग्स में यूज होती थी प्लस कॉस्टली थी, इसकी वजह से इसको अपडेट करके एक्स्ट्रानेट बनाया गया जो कि कई सारी बिल्डिंग्स के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकता था। ठीक है,
नेक्स्ट है, इसके बाद बात करते हैं हम 1980 में। 1980 में क्या हुआ, तो 1980 में आपका यहाँ पर देख सकते हैं, 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा सुपर कंप्यूटर जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाया गया, जिसे एनएफएस नेट कहते हैं। ठीक है, एनएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। एनएस की बात कर रहे हैं, एनएफएस का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम, जो कि एक इंटरनेट है, इसका नाम दिया गया, और इस नेटवर्क को आर्पानेट एंड एक्स्ट्रानेट से अधिक पावरफुल था। ठीक है, सबसे बड़ी अच्छी खास बात थी इसमें क्या, कि ये एक्स्ट्रानेट एंड आर्पानेट दोनों से काफी बेटर था, तो इसका यूज किया गया। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 1985 में इंट्रानेट नामक, मीन्स क्या, पहले आपका आर्पानेट आया, आर्पानेट के बाद आपका आया एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट के बाद अब आया है आपका इंटरनेट। इंटरनेट में क्या हुआ, 1985 की बात है ये, 1985 में इंटरनेट नामक एक लिमिटेड नेटवर्क बनाया गया, जो एक निश्चित, ठीक है, जो एक निश्चित क्राइटेरिया में क्या करता था, एक ये निश्चित क्राइटेरिया में वर्क करता था। सो यहाँ पर देख लेते हैं, निश्चित क्राइटेरिया में वर्क करता था, जैसे कि आप यहाँ पर जान सकते हैं कि इसकी रेंज में इंटरनेट की सिलेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता था। सो इसमें डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यूज की गई थी। सो नेक्स्ट, इसके बाद आपका आया था 1989 में, जिसे टिम बर्नर्स ली ने सर्न स्विट्जरलैंड, सर्न का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ यूरोपियन रिसर्च एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्विट्जरलैंड में वेब पेज बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, वेब पेज, यहाँ गलती से एन लिखा है, वेब पेज होता है। ठीक है, वेब पेज बनाया गया, जिसका ग्राफिकल इंटरनेट, जिसे WW के नाम से जानते हैं। ठीक है, WW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो उसको डेवलप किया। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1999 में इस WW को वेब के रूप में मान्यता मिली। सो ये है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़ा सा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, क्या होता है आपकी एडवांटेज। तो सबसे पहले एडवांटेज में आपकी फर्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत अच्छा होता है। इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे हम किसी भी सामान को मंगाते हैं और उसका यूज करते हैं। आपको होम डिलीवरी है आपका, आप फूड से रिलेटेड है, आपके फैशन से रिलेटेड है, आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट का यूज करके हम एनी इन्फॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है इसमें। इसके बाद है ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन बिलिंग से यहाँ पर मतलब ये है कि ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो कि इंटरनेट से पॉसिबल हुआ है, जिसे आप लोग नेट बैंकिंग भी कहते हो, जो कि इंटरनेट से ही पॉसिबल है। इसके बाद है ऑनलाइन ऑफिस वर्क, मीन्स क्या, वर्क फ्रॉम होम। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस नहीं जाना चाह रहे हैं, बट आप अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस प्रमोशंस, तो बिजनेस प्रमोशंस में क्या होता है कि आजकल इंटरनेट के जरिए हम बिजनेस को इतना अपडेट बना ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर हर एक काम को हमने ऑनलाइन कर दिया है, और ऑनलाइन करने का फायदा ये है कि हम एनी वे एनी टाइम एक्सेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो प्रमोट होती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद इंटरटेनमेंट में, तो इंटरटेनमेंट में भी आप यूज करते हैं, जैसे गेम खेलना, प्ले करना, ठीक है, वीडियोस देखना, यूट्यूब चलाना। सो ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है, इंटरटेनमेंट में, जो नेटवर्क यानी इंटरनेट से पॉसिबल हुई है। नेक्स्ट है आपका जॉब डिटेल्स एंड एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है, ऐसे ऐसे आपके जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जहाँ पर क्या, जैसे कि लिंक्डइन आप लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लिंक्डइन में क्या होता है कि आप अपने रिज्यूम या सीवी को अपलोड कर देते हैं, ताकि वहां पर वो चेकिंग पे, जब काउंसलिंग पे आए, तब आपको भी कॉलिंग की जाए और आपके लिए भी जॉब प्रेफर किया जाए। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन जो एक सॉफ्टवेयर होता है आपका, जो एक मल्टीमीडिया का है, सॉरी एक सोशल साइट्स है, तो वहां पर क्या करते हैं लोग रिज्यूम्स वगैरह अपने डालते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जॉब जल्दी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग मतलब क्या है, इंटरनेट पर अपनी स्किल्स का यूज करके अर्निंग करना। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टाइम पर जैसे मैं कर रही हूँ, यूट्यूब पर चैनल दे रही हूँ आपको, ठीक है, चैनल पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज दे रही हूँ, तो एक तरह से क्या है, ये हमारे इंटरनेट पर एक स्किल्स को यूज करना होता है, तो सभी लोग अपनी अपनी स्किल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट में दिया हुआ है वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ बिल्कुल सही है, कि सबसे पहले तो इंटरनेट में अगर आपका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, कोई अपना सही यूज करते हैं तो कोई लोग इंटरनेट का गलत यूज भी करते हैं, बिना मतलब का भी चीज चलाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि टाइम का वेस्ट होता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट इज नॉट फ्री, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट के लिए आपको पैसे देने होते हैं। आप पैक बनवाते हो, ब्रॉडबैंड है या फिर मोबाइल पैक में है, आप जो भी चीजें हैं रिचार्ज करवाते हो,
ठीक है, विदाउट रिचार्ज आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हैकिंग, बिल्कुल अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप ऑनलाइन में हैं कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ पर आपके मोबाइल, आपके पीसी, आपके डेटा को हैक भी किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, उस पर वायरसेस अटैक भी होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वायरसेस एंड चैटिंग, तो बिल्कुल होती है, इंटरनेट के जरिए आपके जो प्रेफरेंस, पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके जो डेटाज हैं, उन पे चीटिंग, मतलब क्या, उनको गलती से जानबूझ के एक्सेस करना, वायरसेस को लीव करना, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर होती हैं जो इंटरनेट के थ्रू ही की जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी हार्मफुल होता है, काफ़ी हानिकारक होता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक तरह से क्या होती है, एक दूसरे की आइडेंटिटी को चुराना होता है, जो थेफ्ट में आती है आपकी। नेक्स्ट है स्पेम ईमेल एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कभी कभी क्या होता है कि आपकी ईमेल आईडी पर मल्टीपल मेल्स आते लगते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, जो आईडी आपकी वहां से वो उसको प्रीडिफाइन कर देता है कि स्पैम मेल्स हैं, ठीक है, तो स्पैम मेल्स हैं और एडवर्टीजमेंट है, जैसे आपने ट्विटर पे अपना कोई लॉगिन अकाउंट बना रखा है आपने, ठीक है, IRCTC पे आपने कोई अपना अकाउंट बना रखा है, तो उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा आने लगते हैं आपकी ईमेल्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट एडिक्शन एंड हेल्थ इफेक्ट, बिल्कुल इंटरनेट का यूज़ करते करते कुछ लोगों को लत लग जाती है, बिल्कुल कि हाँ इंटरनेट हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मोबाइल की लत, अगर आपके मोबाइल पर इंटरनेट है तो आप क्या करते हैं, उस पर ओवर सारा टाइम उसी पर देते हैं, देखते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, सारा टाइम स्क्रीन देखने से आपकी आइज पर इफेक्ट पड़ता है, तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है प्रोनोग्राफी एंड वायलेंट इमेज, वायलेंट इमेजेस भी आप क्रिएट करते हैं वहाँ पर, जो कि इंटरनेट के खिलाफ होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी डिसएडवांटेज होती हैं। चलिए डाल लेते हैं इसके बाद व्हाट इज़ वेबसाइट, सबसे पहले यही हमें बताना था, लेकिन इसको हम बाद में बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके पहले आपको थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे समझ पाएंगे। तो बात करते हैं वेबसाइट की, ठीक है, क्या होती है वेबसाइट हमारी, क्या कहते हैं इन्हें, किस तरह से यूज किया जाता है इनका, ये जानेंगे। तो वेब पेज का कलेक्शन, ठीक है, वेब पेज का कलेक्शन हमारा वेबसाइट कहलाती है, ठीक है। वेबसाइट एक ऐसी लोकेशन है जहाँ बहुत सारे वेब पेज स्टोर होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वेब पेज स्टोर होते हैं, वेब पेज HTML का, ठीक है, HTML का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तथा वेबसाइट में सभी वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को उसके डोमेन नेम से पहचाना जाता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने दे रखा है google.com, facebook.com, सरकारीresult.com, ठीक है, student.nilet.gov.in, जो कि आपकी नाइलिट की ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाके आप नोटिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स एंड अदर एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाते हैं, ठीक है, सो ये आपकी वो वेबसाइट है। तो चलिए एक बार हम वेबसाइट पे आपको स्विच कराते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से वेबसाइट होती है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह से शो होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है एक, ये देखिए student.nily.in, जो कि आपकी एक वेबसाइट है जो हमने बताया है। यहाँ पर देखिए आपका एक डोमेन नेम शो रहा है, जिसे आप वेबसाइट का डोमेन नेम कह सकते हो, जहाँ पर दिया हुआ है student.nily.gov.in, ठीक है। इसके बाद हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, ये जो कि हमारी ब्लॉगर की है, जो ये मेरी वेबसाइट, आप इस पर जाके O Level CCC के लिए पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ से नोट्स वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर एक दूसरे से सारे पेज लिंक के थ्रू जुड़े होते हैं, तो देखिए अभी तक यहाँ पर CCC ओपन था, अब हम चाहें तो इस पर O Level या O Level से कंप्यूटर फंडामेंटल पर देखिए स्विच हो रहे हैं, तो ये देखिए हम कंप्यूटर फंडामेंटल पर स्विच हो गए हैं। तो इस तरह से क्या, एक दूसरे से ये लिंक से रिलेटेड हैं सारे, में क्या है, लिंक अप्लाई है। तो कहिए कोई स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा रखे हैं हमने लिंक्स, तो ये आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज आप यहाँ पर सर्च करके कंटिन्यू कर सकते हो, सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे लास्ट में आपको लिंक्स मिलेंगे, जैसे कि ये है, ठीक है। अब यहाँ हमने लिंक्स लगा रखा है कि यूट्यूब पर जाना है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देखिए यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, ये यूट्यूब के हमने लॉगिन किया, मीन्स क्या, मेरी ब्लॉगर वेबसाइट से आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर स्विच कर सकते हैं। ये देखिए आप कहाँ पर आ गए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं, ठीक है। सो इस तरह से एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक पेज से दूसरे पेज को आप लिंक कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं अपने फिर से। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या बता दी आपको, वेबसाइट के बारे में बता दी। अब बात करते हैं वेब पेज क्या होता है। सो वेब पेज आपका
जान लेंगे कि वेब पेज क्या होता है। तो ये वेबसाइट का एक सिंगल पेज होता है, ठीक है। क्या होता है? वेबसाइट का एक सिंगल पेज होता है जो आस्की एंड नॉन आस्की मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, ठीक है। इसे HTML के माध्यम से कई सारे डेवलप किया जाता है, जैसे कि या इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स द्वारा ब्राउजर में एक्सेस किया जा सके, ठीक है। इसलिए हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हो तो बहुत सारे रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको वेब पेज मिलते हैं कई तरह से, जब आप उस पर लॉग इन करते हो तो आपको तरह तरह के पेजेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है, ठीक है। आप जान लेंगे टाइप्स ऑफ वेब पेज एंड वेबसाइट दोनों को जानेंगे। तो वेब पेज आपकी क्या होती है? प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट या वेब पेज, और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट या वेब पेज। तो सबसे पहले हम स्टैटिक के बारे में जान लेंगे। ये दोनों पर अप्लाई होंगी, आप वेब पेज पे बात करें या वेबसाइट पे। सिंपल सा है, जब आपका वेबसाइट स्टैटिक होगी तो पेजेस भी स्टैटिक ही होंगे वहाँ के। तो बात कर लेंगे इसमें स्टैटिक वेब पेज या वेबसाइट के बारे में। जहाँ पर दिया गया है, इसमें सभी वेब पेज फिक्स्ड होते हैं। ओके, क्या होते हैं? सभी वेब पेज फिक्स्ड होते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। जिनकी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है। प्रत्येक कह सकते हैं इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के समय जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, वही इंफॉर्मेशन हमेशा वेबसाइट पर ओपन होती है, ठीक है। जैसे कि स्टैटिक वेब पेज को फ्लैट ऑफ स्टेशनरी वेब पेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड होती हैं, चेंजेबल नहीं होती हैं। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज वास स्टैटिक वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट मानेंगे हम डायनेमिक क्या होता है। तो डायनेमिक में ये इसके जो कंटेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट में इंफॉर्मेशन सर्वर पर स्टोर रहती है तथा समय समय पर अपडेट की जाती है। जैसे कि हमें आपको दिखाए हैं, जस्ट फिर चलते हैं साइट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि student.nally.gov.in एक प्रकार की डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आए दिन यहाँ पर नोटिफिकेशन चेंज मिलती हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे एग्जाम नोटिफिकेशन हैं, एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? टाइम टाइम अपडेट होती रहती है। तो एक प्रकार की ये क्या है? आपकी डायनामिक वेबसाइट है। ओके, यहीं पर हम ब्लॉगर की बात कर लेंगे। तो ये भी क्या है? टाइम टाइम अपडेट होती रहती है, इसका पेज भी चेंज होता रहता है, लेकिन इसका जो होम पेज है एक तरह से स्टैटिक होता है। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं हम आगे टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर हमने जैसे कि डायनेमिक में दिया सरकारी.com, बिल्कुल सही है, ठीक है। सरकारी.com में भी क्या होता है कि जॉब्स की अपडेट आती रहती हैं, लेटेस्ट के हैं, एडमिट कार्ड्स के हैं, रिजल्ट्स के पॉइंट जो है चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक वेब पेज ऐसे वेब पेज को कहा जाता है जिसमें रन टाइम मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेजेंट टाइम पे उस पर लॉग इन किए होते हैं एज अ क्लाइंट, ठीक है, और उसी टाइम में वो सर्वर के थ्रू, या कह सकते हैं उसके ओनर के थ्रू, उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा होता है। वो मॉडिफिकेशन भी चलता रहता है और क्लाइंट का एक्सेस पॉइंट भी चलता रहता है। मीन्स क्या? हम लोग उसका यूज भी किया करते हैं और उन्हें जब अपडेट करना होता है वो अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वेब पेज को डायनेमिक या सॉरी किसी वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की नीड होती है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे हम डीपली एक वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पर आपको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आप जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के फॉर्म जैसे प्रोग्राम्स लिखते हैं वो क्या होते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में क्या होते हैं? प्रोग्राम्स लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। या सभी स्क्रिप्टिंग इंटरप्रिटेटेड होती हैं। आप इंटरप्रिटेटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो इंटरप्रिटेटेड का मतलब ये होता है कि आपके जो वहाँ पर कोडिंग की जाती है उसको लाइन बाई लाइन रन कराया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने ट्रांसलेटर पढ़े होंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो वहां पर क्या है, जो इंटरप्रेटेड होता है वो लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करता है एंड उसको कोडिंग में कन्वर्ट करके रन कराता है। तो ये सारे काम इंटरप्रेटेड से होता है। यदि यहाँ पर हमने देखो दे भी रखा है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराता है। ओके, इसके बाद बात कर लेंगे डायनेमिक पेज जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने बताया सर्वर साइड डायनेमिक पेज एंड क्लाइंट साइड। तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू क्लास। वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जल्दी अपडेट करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।